अस्सलाम वालेकुम। आज हम छोले बनाने जा रहे हैं, कड़ी छोले। तो उसके लिए हमने ये सब सामान लिया। हमने ये 2 कप छोले लिए थे और ये रात को भिगो दिए थे और सुबह उबाल लिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम सही उबले हुए हैं और बिल्कुल नरम घुटे हुए नहीं है एकदम से, और हमें ऐसे ही चाहिए थे तो उबाल लिए। तो इनमें छोलों में हमने खाली थोड़ा सा नमक डाल के और रतन जोत का टुकड़ा डाल के, जो आता है कलर के लिए, तो हमने वो डाले हैं। तो इसका थोड़ा सा आप देख सकते हैं कलर, रेड रेड सा कलर हो गया। ग्रेवी के लिए हमने 4 से 5 चम्मच दही लिए, ये आप देख सकते हैं छोटी कटोरी है तो वो लिए, या 5 से 6 चम्मच दही ले सकते हैं नाप के, या छोटी कटोरी नाप के ले सकते हैं, ये फिटी हुई दही है। और 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, रेगुलर यूज जो करते हैं घर में वो वाली, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और हम सरसों के तेल में बनाएंगे इसे ही। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है। और 1 टीस्पून हमने चीनी ली है, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हमने ये काली मिर्च पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है पिसा हुआ भुना हुआ, और ये 1/4 टीस्पून हींग पाउडर लिया, और ये 2 चम्मच भर के हमने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया, ये दलदरा पिसा हुआ है बिल्कुल, आप देख सकते हैं हरी मिर्चों का। और 1 चम्मच हमने ये खटाई ली है पिसी हुई, आमचूर पाउडर, ये भी इसी में ही जाएगा। और 4 से 5 चम्मच हमने ये बेसन लिया, ये चाय के जो चम्मच होते हैं इसी से ही नाप के लिया। और आप देख सकते हैं कटोरी थोड़ी सी खाली भी है। थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी इसी में ही जाएगा। इधर हमने कढ़ाई रख दी है और ये छोले हम बिना अदरक लहसुन और प्याज के बगैर बनाएंगे। जो लोग खाते नहीं है अदरक लहसुन प्याज, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए तेल डाल दिया हमने, सरसों का तेल है। ये देखिए तेल गरम हो गया हमारा सरसों का तेल, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। इसमें हम हींग पाउडर डाल देंगे और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। जो दरदरी हमने पीसी हुई, चूल्हा बिल्कुल हल्का कर लिया ताकि इसकी छींटे उड़ेंगी तो आराम से बिल्कुल। ये बहुत ही बढ़िया चावलों से आप खा के देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा, नया रेसिपी है बिल्कुल। इसी में ये हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितनी आप पसंद करते हो इतनी। उसी में धनिया पाउडर भी डाल देंगे। आंच थोड़ी सी मीडियम कर रखी है हमने, हल्की, ताकि मसाला जले नहीं और हल्की आंच पे ये पके थोड़ा सा। साथ साथ हम इसमें दही डाल देंगे और चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दही फटे नहीं। दही आपके ज्यादा खट्टी हो तो आप थोड़ी कम ले लें। ये देखिए कितना बेहतरीन सा मसाला लग रही है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हमने एक छोटी कटोरी ये पानी लिया, ये भी खाली है थोड़ा सा, तो ये डाल देंगे। मसाला अच्छे से पक जाएगा, आंच थोड़ा सा तेज कर लेंगे।
जो हमने धनिया डाला है, हल्दी डाली है, मिर्च है, तो वो अच्छे से पक जाएगा। आंच थोड़ी सी मीडियम कर देते हैं, इसमें उबाल आने लगा है, आप देख सकते हैं। तो इतने ही पकेगा, इतने हम मसाला तैयार कर ले। इसके लिए हम जो ये हमने आमचूर पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे और ये बेसन भी डाल देंगे इसमें। इसी चम्मच से नाप के लिया है हमने, 5 चम्मच है पूरा। ऐसे भर के लिया है हमने। इसी में हम ये काली मिर्चें भी डाल देंगे और जीरा पाउडर, चीनी भी डाल देंगे। इसी के साथ साथ नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा रोकेंगे नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए सब चीज हमने इसमें मिला दी अच्छे से, इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा। तो हम इसका गोल बना लेते हैं। आधे कप के करीब पानी डाल दिया है हमने, इसका अच्छे से गोल बना लेते हैं। इसमें लम्स ना रहे बिल्कुल भी। देखिए इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे हम, अभी जो छोलों का पानी था वही यूज करेंगे। और इधर मसाला हमारा भुनने लगा है। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया, ये आप देख सकते हैं सारा ऑयल ऊपर आ गया। मसाला अच्छे से भुनने लगा, इसमें दाना दाना सा होने लगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, मसालों की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं ये बिना प्याज बिना टमाटर अदरक लहसुन के बनाया हमने, तो कितनी ग्रेवी हो गई है ये, और बहुत ही मजे के बनेंगे ये। तो चूल्हे को थोड़ा हल्का कर लिया, और इधर हमने ये 1 कप पानी लिया है छोलों का, जिसमें हमने छोले उबाले थे। इसका कलर जो है रतन जोत की वजह से काला काला सा है थोड़ा, तो हमें ऐसे ही चाहिए था। देखिए थोड़ा सा पानी और डाल दिया हमने इसमें, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स ना हो, ऐसे ध्यान से फेंटे बिल्कुल उसको, आप देख सकते हैं। हमारे में भी थोड़े से लग रहा है, तो उसे भी हम खत्म कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं एकदम। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको हम इसमें मिला देते हैं, ग्रेवी में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वाह कितना अच्छा सा लग रही है, अभी ये पूरा तैयार नहीं है। चूल्हे को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम, ताकि ये अच्छे से बेसन पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए सब अच्छे से मिक्स कर देते हैं, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है ये, इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। जो हमने बाउल में ये बेसन घोला था, उसी बाउल में हमने थोड़ा सा पानी और ले लिया 1 चम्मच के करीब, और वो भी डाल दिया हमने इसमें। इसे अच्छे से मिला देंगे। आज हमने तेज कर दी, कितना
कितना गाढ़ा सा इसका बैटर बन गया ग्रेवी। हमने पूरा 1 कप पानी डाल दिया इसमें, देखिए और जरूरत होगी तो और डाल देंगे। और छोलों का ही पानी यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें छोलों का मजा होता है। ये देखिए ये अभी गाढ़ा है बहुत ज्यादा, अभी बेसन पकेगा तो और ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसीलिए पानी और डालेंगे हम इसमें ताकि बेसन अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन ना जो बेसन का है वो खत्म हो जाए। आधा कप पानी और डाल दिया, आप देख सकते हैं हमने आधा कप रोक लिया। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और आंच थोड़ी सी मीडियम कर देंगे। इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें फिर और जो सामान बाकी है वो डालेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है, आप देख सकते हैं बीच में भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए चारों तरफ भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें अब हम छोले डाल देंगे। हम छोले डाल देंगे, देखिए हमने सारे छोले डाल दिए और इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, हमने आधा टीस्पून लिया था तो इसका आधा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे चलाते हुए पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि छोलों में अच्छा से मजा हो जाए ग्रेवी का। देखिए इसमें एक उबाल आ जाएगा, अच्छे से पक जाएगा ये, तो हम आंच थोड़ी हल्की कर देंगे। और अभी हमने इसमें छोले डाले हैं तो इसमें उबाल नहीं आया, और इस टाइम आप नमक वगैरह चख सकते हैं, अगर चाहे फीका हो तो डाल सकते हैं नमक, क्योंकि ग्रेवी में ही चाहिए। छोलों में तो पड़ा हुआ था नमक, तो उसके तो अंदर तक नमक है छोलों में, तो इसीलिए ग्रेवी में बिल्कुल सही होना चाहिए, तो उसका मजा जो है खुल जाता है अच्छे से। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। और ये हम लोग चावलों से खाएंगे तो इसीलिए ये बनाया, हमने सोचा अब लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसी चीजें बनाओ जो घर में आराम से बने और सब मेंबर खा सके घर के, तो इसीलिए। देखिए इसमें उबाल आ गया अच्छे से, और चूल्हे को बंद कर देते हैं, बस इतना ही, ज्यादा पकाना नहीं है। और इसमें क्योंकि 4 से 5 चम्मच बेसन, तो इतना तो बहुत सारी ऐसी रेसिपी होती है जिसमें यूज होता रहता है वो थोड़ा सा, तो ये कढ़ी होती है तो हम लोग सुबह से शाम तक पकाते हैं कढ़ी, तो उसका मजा और अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए। और बस हम इसे बंद कर देते हैं और डिश में निकाल के दिखाते हैं हम आपको। देखिए छोले निकाल लेते हैं, कढ़ी छोले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ।
हमने छोले निकाल लिए और हमने चावल बनाए, तो छोलों से खाने के लिए, कड़ी छोले से खाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। और धनिया भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगी हमारी ये रेसिपी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। और शेयर भी जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करते हैं तो। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।